हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे न्यूरोकाइन एलसी टैबलेट के बारे में। इसको डॉक्टर आपको कब रिकमेंड करते हैं, इसका डोज क्या होता है, आप कितने टाइम तक इसको ले सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए इसको हम दे सकते हैं, इसके बाद में इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप हमसे हमेशा के लिए कनेक्ट रह सके। अगर कोई मेडिसिन से रिलेटेड आप लोगों का सवाल है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। न्यूरोकाइंड एलसी टैबलेट हम देते कब है, यानी कि जब भी ऐसा लगता है कि पेशेंट को न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, विटामिन की कमी हो रही है, तब इस सप्लीमेंट को हम दे सकते हैं। न्यूरोकाइन एलसी टैबलेट में अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लिवोकार्टिनिन होता है, मिथाइला कोबालामिन और फोलिक एसिड, जो कि विटामिन सप्लीमेंट होता है ये। अगर हम इसको बीमारी के बारे में बात करें कि कौन कौन से डिजीज में हम इसका यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसे डिजीज होती है जिसमें कि हम इसका कंटिन्यू यूज करते हैं और इसके बाद में हम इनफर्टिलिटी में भी इसका यूज कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स पेशेंट को होती है। मेल में अगर हम देखें तो जैसे कि स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और जो मेल है उनकी बॉडी में जैसे वीकनेस है, विटामिन्स की कमी है और बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है और ऊपर से उनको कंस्यूम नहीं हो रहा, तब भी डॉक्टर आपको न्यूरोकाइन एलसी लेने के लिए बोल सकते हैं या आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। इनफर्टिलिटी में अगर हम महिलाओं में बात करें तो महिलाओं के एक की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इसके बाद में वही वीकनेस और न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए हम इसको देते हैं। कई बार हम इसको प्रेग्नेंट फीमेल को भी यूज़ करने को दे सकते हैं, जैसे कि महिलाओं को सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेग क्रैम्प की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि पैर की पिडलियों में दर्द होना और हाथ पैरों में सुन्नपन आना, हाथ पैरों में झिनझिनाहट आना, तो इन कंडीशंस में प्रेग्नेंट फीमेल को भी देते हैं, पर वो डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही आपको लेना है, अपनी मर्जी से आपको नहीं लेना है। अभी हम बात करें और कौन सी ऐसी बीमारियां जिसमें हम नॉर्मल व्यक्ति को भी दे सकते हैं, जैसे कि ना तो आपको इनफर्टिलिटी ना ही आपको प्रेगनेंसी, तो फिर डॉक्टर ने आपको क्यों दी? तो ऐसी कंडीशन में जो मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम हमको होती है, जैसे कि खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, भूख अच्छे से नहीं लग रही है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, हाथ पैर आपके सूख गए हैं, मतलब अब बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको लग रही है, इसके बाद में विटामिन की कमी हो रही है, हाथ पैर सूनन पड़ जाते हैं और हाथ पैरों में झिनझिनाहटपन आती है और आपको ब्लड की कमी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर आपको इसको लेने के लिए दे सकते हैं। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन के लिए डॉक्टर दे रहे हैं। ओके, अगर हम और बीमारियों के बारे में बात करें तो जैसे एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, तब भी डॉक्टर आपको इसको देते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि न्यूरॉन्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे हाथ पैरों में झिनझिनी आना, सुन्न पड़ना या फिर हाथ पैरों में बहुत दर्द होना, तो इस कंडीशन में भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जब भी डॉक्टर आपको दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा साइटिका के दौरान, जैसे साइटिका हम किसको बोलते हैं, पैरों में कमर से लेकर के नीचे पिडलियों तक पेशेंट को दर्द रहता है, अचानक से दर्द उठता है फिर रुक जाता है, कभी कभी कंटिन्यू दर्द बना रहता है, तो जो साइटिका का ट्रीटमेंट होता है उसमें भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, तब भी डॉक्टर आपको इसको लेने के लिए दे सकते हैं। अब इसमें फॉलिक एसिड भी होता है, तो वो कंस्यूम करने के लिए भी और नॉर्मल व्यक्ति को भी फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी हम इसको दे सकते हैं। इसके बाद में विटामिन B9 और B12 की कमी अगर आपको हो रही है, यानी कि विटामिन B9 और B12 की डिफिशेंसी आपको है, तब भी डॉक्टर आपको इसको लेने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। अब हम देखें कि इसके डोज क्या होते हैं, तो चाहे वो आपका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आपका प्रेगनेंसी के दौरान लेना हो, या फिर आप नॉर्मल व्यक्ति है, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं, तो उस दौरान भी हम इसके सिर्फ एक टेबलेट पर डे लेने को बोलते हैं और वो भी खाने के बाद में, यानी कि इसकी 24 घंटे में हम ओनली एक ही टैबलेट ले सकते हैं। पर हो सकता है कि आपकी कंडीशन अलग हो, आपकी प्रॉब्लम अलग हो, तो डॉक्टर इससे बढ़ा के भी इसका डोज आपको दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि न्यूरोकाइन एलसी टैबलेट के साइड इफेक्ट क्या
क्या क्या हो सकते हैं। इसको लेने के बाद में अगर आपको जो लक्षण हम बता रहे हैं, अगर ये लक्षण हो रहे हैं और ये लक्षण बढ़ रहे हैं, तो तुरंत आपको जिस भी डॉक्टर ने इसको रिकमेंड किया उससे आपको मिलना चाहिए, ताकि डॉक्टर जो भी परेशानियाँ हो रही है उसको कम करने के लिए आपको मेडिसिन दे सके, वो जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कंट्रोल कर सके। जैसे कि सिर दर्द होना, हेडेक, सिर भारी होना, इसके बाद में उल्टी जैसा मन होना या मतली होना, यानी कि नोज़िया वॉमिटिंग की फीलिंग आना या नोज़िया वॉमिटिंग आपको होना, ओके। इसके बाद में दस्त लगना, थोड़ा पेट फूलना यानी कि गैस बनना, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे इसको लेने के बाद में कि आपको समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी कोई कोई मेडिसिन लेने के बाद में हमारे दिमाग पे ऐसा प्रेशर आता है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हम कर क्या रहे, हो क्या रहा, बोल क्या रहे, मुंह से निकल क्या रहा। अगर ऐसा कोई कन्फ्यूजन टाइप भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपको इन साइड इफेक्ट को रोकने के लिए कोई दवाई दे सके। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको न्यूरोकाइंड LC टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।